नमस्ते और आपका स्वागत है एक और रीडिंग में। और इस रीडिंग में मैं आपके और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग चेक करके देने वाली हूँ कि इस टाइम उसकी एनर्जी क्या है। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं अभी, वो आपके बारे में कुछ सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, उनकी पर्सनल ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके लिए कोई फीलिंग है भी या नहीं है, जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। और मैं एक बात बताऊं कार्ड को लेके, हम किसी के लिए जब रीडिंग देखते हैं, ठीक है, जब हमारे लिए कार्ड जब निकल के आते हैं रीडिंग में कि कार्ड हमें कौन से मिल रहे हैं, तो उस इंसान की जो एनर्जी है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे होते हैं, तो उसकी एनर्जी सेम बताते हैं कार्ड। अगर कुछ अच्छा चल रहा होता है तो वो आपके लिए बता देते हैं, अगर कुछ गलत चल रहा होता है तो वो आपके लिए बता देते हैं। अगर एक्शन का कार्ड आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पास आ रहा है। आपने ऐसे हज़ारों रीडिंग आप देख चुके हैं, एक्शन के कार्ड में कभी भी ये एनर्जी निकल के नहीं आती है कि वो अभी आ गया है, ऐसा नहीं होता है। जब हम करंट की एनर्जी चेक कर रहे होते हैं तो करंट में अगर एक्शन का कार्ड है तो आना ही चाहिए उस इंसान को। अगर करंट में कार्ड एक्शन का आ रहा है और साथ में कोई कार्ड नेगेटिव आ रहा है, तो वो एनर्जी जो है नहीं मानी जाती है कि वो वापस है, वो वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्शन के जब कार्ड आते हैं, है ना, वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैंने आपको बता दिया कि कार्ड के साथ कौन सा कार्ड आ रहा है, उससे हमें पता चलता है कि आ रहा है। और सबसे ज़्यादा आपने अपने अंदर कितना काम किया हुआ है जिससे आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी इंट्यूशन है, वो आपको बता देगी कार्ड देख के कि चल क्या रहा है ना, दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है। तो देखिए, कार्ड तो ये निकल के आया है मेरी तरफ से जो है रिवर्स में आया है, तो ये बता रहा है आपका जो पार्टनर है उसकी पर्सनल जिंदगी में कहीं आना जाना जो लगा हुआ था। देखिए कार्ड कितना पॉजिटिव मैसेज दे रहा है आप लोगों के लिए। तो ये उसकी पर्सनल ज़िंदगी के लिए जब हम रीडिंग कर रहे हैं कि उसकी पर्सनल ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो ये कूद के खुद गिरा है। तो ये बता रहा है कि ये अपना आना जाना बंद कर रहा है इस टाइम, और कहीं भागते हुए जो ये भाग रहा था अपने आप से, तो वो भागते हुए की एनर्जी जो है वो रुक रही है इस टाइम, ठीक है। और थोड़ी देर हो सकती है इसकी ज़िंदगी में, ये भी चल रहा है पर्सनल ज़िंदगी में, अपने प्यार को छोड़ के ये कहीं कहीं भागता था, ठीक है। जो इंसान इससे दिल से प्यार करता था, और ये भी जो है अपने इसकी जो सोल है अंदर की, जो इसकी आत्मा है, वो जानती है कि ये इसका पार्टनर कौन है, लेकिन भाग ये कहीं और रहा था, इधर उधर भाग रहा था, ठीक है। तो अभी ये कार्ड मेरे पास रिवर्स में आया है, ये रुक गया, ये सोचेगा अपनी ज़िंदगी के बारे में, सोचेगा इसकी पर्सनल ज़िंदगी में यही चल रहा है कि अपने, इसको बहुत सारी बातें, जब हम लव रीडिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ट्विन फ्लेम की एनर्जी जब हम चेक कर रहे हैं, तो इस इंसान को बहुत सारी बातें अपने ही बारे में याद आने वाली हैं, यानी कि ये खुद के बारे में सोचेगा, मैं क्यों भाग रहा हूँ, मैं कहाँ भाग रहा हूँ, आखिर पार्टनर तो जो है मेरा बहुत अच्छा है, मुझसे प्यार भी है, मुझे उससे प्यार है, मैं उसके बगैर रह नहीं सकता, वो भी जो है मुझे मेरी हर गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए मुझे हर टाइम जो है एक्सेप्ट करने पे रहती है, मेरी जो गलतियां हैं वो पीछे छोड़ के मुझे अपनाने के लिए हर टाइम तैयार रहती है, तो मुझे ऐसा प्यार है जो वो कहीं नहीं मिलने वाला है, है ना। तो ये क्यों भागे, अब ये सोच रहा है मैं क्यों भागूँ, मुझे भागने की ज़रूरत क्या है, ये वाली एनर्जी जो है इस कार्ड से। और ये जो कार्ड आया आप देख ही सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी मुझे यही आया है, इसकी पर्सनल ज़िंदगी में ये चाह रहा है कि अब मैं एक ऐसा कमिटमेंट दूँ अपने पार्टनर को, एक ऐसा गिफ्ट दूँ अपने पार्टनर को जो ज़िंदगी भर जो है बरकरार रहे, जो ज़िंदगी भर है जो चले, जो साथ निभाए, क्योंकि एक पेंटिकल है, ऐसा एनर्जी है, ये डिवाइन का हाथ है, जो ये भगवान का हाथ है ना, हाथ पे एक पेंटिकल है, तो वो पेंटिकल क्या है कि वो खत टूटेगा नहीं, इतना मजबूत है कि टूटेगा नहीं। तो ये एक ऐसे रिश्ते के साथ आपके साथ पास वापस आना चाहता है जो वाकई ना टूटे, और इस बात के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है। बहुत से लोग दो दिन में मिल पाएंगे, क्योंकि इस इंसान की एनर्जी जो है ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, ठीक है।
2 घंटे नहीं मैं कह सकती बिल्कुल भी, लेकिन अगले 2 दिन तक इस इंसान के अंदर बहुत बदलाव आने वाला है आपको लेके। देखिए मैंने बोला जैसे कि आपसे, अब मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि मुझे कार्ड शफल करने की भी इस टाइम ज़रूरत नहीं पड़ रही है आप लोगों के लिए, है ना। तो इसकी पर्सनल ज़िंदगी में यही चल रहा है, ये अपनी किस्मत के बारे में सोचेगा, आपके बारे में सोचेगा, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचेगा, ये वाली इसकी एनर्जी है। मैं बाहर की तरफ क्यों भाग रहा हूँ, मैं बाहर क्यों भागने की कोशिश कर रहा हूँ अपने प्यार की तरफ से, ठीक है। पर्सनल ज़िंदगी में इसको काम के लिए, जो काम है इसका, जो कैरियर है इसका, है ना, कोई जॉब है, कहीं काम करता है जिसमें इसको सक्सेस नहीं मिल रही है, और जो इसके हाथ में है उसको ये जी नहीं रहा है। एक बॉल है, एक पृथ्वी के जो है एक बॉल इसके हाथ में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है बहुत बहुत जगह, लेकिन वो जो थर्ड पार्टी है वो उतना ज़्यादा उसको लेके इतनी परवाह नहीं है उसको, ठीक है। इस टाइम उसका जो ध्यान है वो पूरा का पूरा जो है अपने काम पे है, और आपके ऊपर इस टाइम बहुत ज़्यादा है। थर्ड पार्टी के साथ तो ये है ही, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ठीक है, इसकी वाइफ हो सकती है, इनकी मम्मी हो सकती हैं, या इनकी फैमिली हो सकती है, इनका काम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है, और इसका ध्यान जो है वो सारा का सारा आपके ऊपर है, और ये इंसान ये भी सोच रहा है अभी कोई करंट में, यानी कि इस टाइम कोई और पर्सन जो है आपके साथ ना आ जाए, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में ना चली जाए, इसको ये इंसान भी ये सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। ये इसकी पर्सनल ज़िंदगी में तो जो है, मुझे और कुछ तो जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो मेन जो मैंने आपको भी रीडिंग करके दी है वही है। और ये सबसे ज़्यादा जैसा मैंने कहा कि अपने काम को लेके परेशान है, तो यहाँ पे कफ्स के कार्ड आए हैं जो कि रिलेशनशिप के बारे में भी बता रहे हैं काफ़ी कुछ। इसने जो है 5 से 7 साल हो चुके हैं आप दोनों को जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें काफ़ी लंबा समय, ये काफ़ी लंबी जर्नी आपकी रही है, जिसमें इस इंसान ने बहुत कुछ खो दिया है। अब ये आपको कभी खोना नहीं चाहेगा, ऐसे विचार आपके साथ इसके चल रहे हैं, क्योंकि इसको पता है कि मुझे रहना ही इसके साथ है, क्योंकि मुझे इससे अच्छा कोई पर्सन नहीं मिलेगा, और इस चीज़ पे ये काम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसके दिल में जो है बहुत ज़्यादा चोट पहुँची हुई है, इसके दिल में यही फीलिंग इस टाइम चल रही है इस पर्सन के अंदर। जो आपका पार्टनर है, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उनके जो पार्टनर की एनर्जी है, वहाँ पे टावर कार्ड आया है। टावर कार्ड मतलब मैंने दे पूछा कि इसके दिल में क्या चल रहा है, इसके दिल में बहुत ज़्यादा बेचैनी, बहुत ज़्यादा दर्द और बहुत ज़्यादा चोट पहुँची हुई है, जिसकी वजह से इसे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी हैं पास्ट में, है ना। जो तकलीफ़ें मैंने अपने पार्टनर को दी हैं, आज वही सब इसको महसूस हो रही हैं, क्योंकि वही चीज़ इसके साथ भी इस टाइम जो है ये फील कर पा रहा है। ऐसी एनर्जी है, कुछ भी हो जाए जो है, कहीं भी चला जाए, कुछ भी, कोई भी इसको कुछ कह रहा है, तो ये जो है इंसान आपको छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर मेरी वीडियो जो है आपके साथ मैच कर रही है तो इसे क्लेम कर लेना, और इसके दिमाग में आपको लेके बहुत ज़्यादा जो है टेंशन रहती है, बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव विचार रहते हैं, मैरिड हो गई होती, शादी हो गई होती, हमारे बच्चे होते, हम साथ में रहा करते, इस तरह की एनर्जी है। या फिर ये इंसान ये सोच रहा है कि आप अपने घर में अपने पार्टनर, जो आपके करंट में जो आपके हस्बैंड हो सकते हैं या कोई और हो सकता है, आपका कोई और बॉयफ्रेंड हो सकता है, उसमें आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, या आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, ये इंसान इस चीज़ को सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत सी जगह पे ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान, मैंने 2 दिन का टाइम दिया है यहाँ पे, 2 दिन के अंदर जो है बहुत से लोग जो है मिल पाएंगे 2 दिन में, और जो मैं 2 दिन की एनर्जी बताऊं, आज जो है तारीख है 1-3 तारीख, और जब सुबह के 6 बजे से लेके तो जो 3 बजे की एनर्जी है वो आ रही है मुझे, ठीक है, 6 से 3 बजे तक की, 3 तारीख की। तो ये भगवान आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, रीडिंग खत्म करते हैं, ये लंबी हो जाएगी बहुत ज्यादा। भगवान आपको मैसेज देना चाहते हैं कि
बहुत ज़्यादा आप रह लिए इस तकलीफ में, बहुत दिन हो गए आपको इस एनर्जी में, तो और डर में, आपके अंदर जो डर है उसको निकालने की आपको ज़रूरत है। डर बैठा हुआ है बहुत ज़्यादा आपके अंदर, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कि रिलेशनशिप ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, ख़त्म हो गया तो क्या होगा। बहुत ज़्यादा भगवान आपको यही मैसेज दे रहे हैं आज, भगवान की तरफ से आपको यही मैसेज मिल रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा निराश हैं, उदास हैं, अकेलापन फील कर रही हैं, और कोई और पार्टनर आपकी ज़िंदगी में जो है ना आ जाए, इसकी आप भगवान से दुआ करती हैं, और आप बहुत ज़्यादा पेनफुल साइकिल से बाहर निकल गई हैं। ये मैसेज आपको भगवान इस टाइम दे रहे हैं, तो आप जो है मेरी वीडियो को जो देख रहे हैं तो उसको क्लेम कर सकते हैं रीडिंग को। ये रीडिंग आपके लिए ही है। ऐसा करते हुए अगर आप सोचते हैं तो मुझे नहीं लगता कि रीडिंग आपके साथ मैच नहीं करेगी, तभी मैं अपना पर्सनल नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में नहीं डालती, क्योंकि मुझे पता है जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं तो आप लोगों की जो है हीलिंग होती है और आपसे रीडिंग मैच भी होती है। अब मैं इतने उसके साथ कैसे बोलती हूँ, जो कि मैं अपने हर एक पुराने वीडियो में बता चुकी हूँ, कि जब मैं रीडिंग करती हूँ, जो मैं कार्ड अपने लिए हम निकालते हैं, हर कोई इंसान खुद के लिए कार्ड नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो देखो कि आपके अंदर जो है अपने दिमाग को आपने कितना शांत किया हुआ है, आपकी कितनी इच्छाएं हैं, ठीक है, वे सारी ना होते हुए आप सिर्फ और सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए काम कर रहे होते हैं और आपको बदले में कुछ नहीं चाहिए होता किसी से, ठीक है, तो वहाँ पे जो है शक्ति जो है कोई और काम कर रही होती है आपकी जगह पे। आप एक जरिया होते हैं बोलने का, और वहाँ पे एनर्जी होती है भगवान की, ठीक है। जब हम कार्ड पढ़ रहे होते हैं, बहुत से जो है टैरो रीडर हैं या कोई भी लगा लीजिए जो दूसरों की भलाई कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे काम कोई और ही करता है, भगवान ही करते हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन के लिए एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं, कि डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी कैसी रहने वाली है। मजिशियन कार्ड है, अभी कंफ्यूजन जो है वो दूर करो अपनी, ये कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब इसके नीचे ये कार्ड है, आपको सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप को लेके यहाँ पे दिक्कत है, कंफ्यूजन रहती है, किसको चुनूं, क्या करूं, ये इंसान मुझे चुनेगा या नहीं चुनेगा, या मुझे छोड़ेगा या किसी और को चुनेगा। तो मजिशियन कार्ड है, एक नया दरवाज़ा, यानी कि एक नया रास्ता आपका पार्टनर आपके लिए खोलने वाला है बहुत जल्दी। तो मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ, और तब तक के लिए नमस्ते।